काफी बार हम देखते हैं कि लोग हमारे साथ में जो इंटरेक्शन करते हैं ना, वो निगेटिव बोलते रहते हैं या निगेटिव उसका अर्थ निकालेंगे, या हम लोग बोलते नहीं आते, ये आदमी निगेटिव है बहुत, ये हरदम निगेटिव बोलेगा, वो उसका उल्टा अर्थ लेगा, या पहले वो ना बोलेगा, नकारात्मक बोलेगा, या उसका अर्थ ऐसा डिसएम्पावरिंग अर्थ लगाएगा उसको, या कोई शकीला अर्थ लगाएगा। मतलब ये जो है ये होता कैसा है? कुछ हम बोलते कि ऐसे लोग हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं उसे देखा जाए तो ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन में सब ये चालू रहता है, विचारों का आवागमन, जो भी कुछ वातावरण में होता है वो हम परसीव करते हैं, अंदर डालते हैं, अंदर डालने के बाद में उसका इंटरप्रिटेशन होता है, और इंटरप्रिटेशन होने के बाद में तुरंत हम उसका मीनिंग निकालते हैं, और वो मीनिंग जो है वो सब पूरा हैबिचुअल है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर वो मीनिंग रिएक्टिव मीनिंग रहता है, और वो पास से आया हुआ रहता है। ये कॉर्टिकल मैपिंग का पार्ट है, ये कॉर्टिकल मैपिंग है, और ज़्यादातर लोगों का ये कॉर्टिकल मैपिंग जो है वो निगेटिव हुआ है। मतलब देखो, बेसिक ही निगेटिव है, समझो, बेस निगेटिव है। अब कुछ भी आ गया और उसके ऊपर वो टकरा गया, तो उसका अर्थ तो निगेटिव निकलेगा ना, फाउंडेशन निगेटिव है। ये हुआ क्या? लोग बोलते नहीं, भी बताइए डॉक्टर साहब, ये होता कैसे, निगेटिव बनते कैसे हम लोग? कुछ लोग एकदम सकारात्मक रहते हैं, उनके पास में आप कोई प्रपोजल लेके जाओ, बोलते हाँ बिल्कुल जमता है, पॉसिबल है, ये संभव है, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते कि नहीं नहीं देखो भाई, कोशिश करो, ट्राई करो, हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, देखो ऐसा है ऐसा, कुछ लोग बीच वाले रहते हैं, और कुछ लोग जो है एकदम निगेटिव, नहीं है, जमता ही नहीं, होता ही नहीं, कार्यक्रम फेल हो जाता है। तो ये 0 to 10 की इसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं। फिर बचपन में तो आप ऐसे नहीं थे, बचपन में 2 साल का 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसका जो कॉर्टिकल मैपिंग है वो तो पूरा पॉजिटिव रहता है, वो तो कुछ भी करता है, कहीं भी कूदेगा, कहीं भी हाथ डालेगा, कुछ भी खाएगा, कुछ भी कपड़े छोड़ देगा, कहीं भी शिशु कर देगा, कभी किसको कुछ बोल देगा, कुछ उसको तो फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेशन है, उसको तो कुछ भी लगता नहीं है। मगर क्या होता है, फिर जैसे उसकी परवरिश होती है, जो जैसा जैसा बड़ा बड़ा होते रहता है वो, फिर वैसा वैसा उसको थप्पड़े पड़ जाती है। माँ बाप उसको कहीं किसी के यहाँ लेके जाते हैं, दोस्त के यहाँ वगैरह, और वो खुद होके कुछ मांग लेता है, वहाँ घर में आके उसको थप्पड़ पड़ती है कि तूने ऐसा मांगा, ये बराबर नहीं है, ऐसा मांगना नहीं चाहिए, ऐसा अच्छा लक्षण नहीं है, ये अच्छे मैनर्स नहीं है। उसको एक थप्पड़ पड़ गया, उसको डांट दिया, उसको लगा ये बराबर मैंने किया नहीं, फिर उसके जैसे और कुछ एक्टिविटीज जो है वो भी बराबर वो करता नहीं है, और वो निगेटिव मैपिंग चालू। तो अभी इसका कैसा करेंगे पॉजिटिव मैपिंग? तो इसके लिए फिर अलग 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 थेरेपीज हैं जो हम काउंसिलिंग में करते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़्यादातर बीमारियाँ जो है, न्यूरोटिक डिप्रेशन रहो, एंग्जाइटी रहो, फोबिया रहो, पैनिक अटैक्स है, हिस्टेरिया है, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, सब निगेटिव मैपिंग की वजह से है। फिर यदि खुद होके ऑन रिक्वेस्ट यदि कोई मेरे पास में आता है कि देखो मेरी निगेटिव मैपिंग है, मुझे ना बहुत तकलीफ होती है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं संभावना से जीवन नहीं जी रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे कोचिंग चाहिए, तो हम इससे बात कर सकते हैं, बात करके उसको प्रेजेंट करवा के सकते हैं कि भाई देख, तू हर बार जो मीनिंग निकालता है वो तेरे निगेटिव कॉर्टिकल मैपिंग से निकालता है। वहाँ से सामने से कोई आया, मैं इधर से जा रहा हूँ, उसने मेरे तरफ देखा, अनदेखा किया, मैंने उसको नमस्ते किया, उसने नमस्ते नहीं किया, मेरा निगेटिव कॉर्टिकल मैपिंग जो है वो बोलता है कि देखो उसने मुझे टाल दिया, तुरंत आ गया रिएक्शन। अब ये एक रिएक्शन जो आ गया वही मुझे सच लगता है, वही सही है ऐसा मुझे लगता है, वही एकमेव है, वही सत्य है ऐसा मुझे लगता है, और फिर वहीं से मैं ऑपरेट कर सकता, आगे भी उससे मिलूंगा तो हाँ उसने मुझे ना टाल दिया था। यदि मेरा कॉर्टिकल मैपिंग निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, वो बिजी हो सकता है, उसके दिमाग में और कुछ चलता होगा शायद, इसलिए वो उसका ख्याल नहीं है, उसका कोई सीरियस होगा इसलिए वो जल्दी जल्दी में है। मतलब कुछ भी मैं उसका ऐसा अर्थ निकालूंगा जो मुझे डाउन नहीं करेगा। तो वो यदि हम प्रेजेंट हो जाते हैं कि देखो कि मैं एक मीनिंग देने वाली मशीन हूँ, मैं एक मीनिंग देते रहता हूँ,
ज़्यादातर निगेटिव मीनिंग देते रहता हूँ, और वो यदि मैं प्रेजेंट हो गया, ये कॉर्टिकल मैपिंग को, निगेटिव कॉर्टिकल मैपिंग, इसको प्रेजेंट हो गया, तो डेफिनेटली मैं नकारात्मक का पॉजिटिव सकारात्मक विचार कर सकता हूँ, उसको तुरंत बदल सकता हूँ। ये हिप्नोसजेशन में हो सकता है, हिप्नोटिज्म में हो सकता है, हिप्नोथेरेपी में हो सकता है, सेल्फ हिप्नोटिज्म में हो सकता है, ऑटो सजेशंस में हो सकता है। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने हिप्नोटिज्म के बनाए हुए, हमारे हिप्नोटिज्म के कोर्सेज चलते रहते हैं, कि जो कोर्स में आपको हम हिप्नोटिज्म सिखाते हैं, खुद को स्वसम्मोहन कैसे करना और लोगों को सम्मोहित कैसे करना, तो वो कोर्सेस है। एक लेवल वन का कोर्स है, फिर मास्टर क्लास है, ग्रैंड मास्टर क्लास है, फिर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सिखाते हैं, जिसमें हम कॉग्निशन कैसा आपका गलत है और उसको कैसे ठीक करना, फिर रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT वो सिखाते हैं, उसमें काउंसिलिंग करते हैं, तो आप उसका लाभ उठा के आपका जीवन पावरफुल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।